फोर्ट मेरी दिल्ली में मैं प्रियंका वर्मा आप सभी को लेके आई हुई हूँ ओम प्रकाश जी के स्पेशल चूचू नान खिलाने के लिए। जो इनके चूचू नान है ना वो इतने ज्यादा जबरदस्त है कि इनकी इतनी ज्यादा भीड़ लगी रहती है, लोगों की मारा मारी रहती है इनके नान खाने के लिए। स्पेशल ये है कि आप अगर आटे वाला नान लेना चाहते हो तो आप आटे वाला नान भी ले सकते हो। चलिए इनसे बात करते हैं, इनके चूचू नान की थाली को देखते हैं, इनके चूचू नान की थाली को टेस्ट करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। भाई नान ही लगाते हैं हम तो। देखो ऊपर तो भैया वो टंगे हुए हैं, कह रहे हैं आप आते हैं और खाते हैं। पार्क के पीछे से। अरे पार्क के पीछे से आते हो और खाते हो? हाँ जी हाँ। कितने टाइम हो गए आपके यहाँ पे? कम से कम 35 साल। कितने वैरायटी के चूचू नान देते हैं? आलू गोभी पनीर और मिक्स। तो उसके साथ आप क्या क्या देते हैं नान के साथ? दाल मखनी और छोले रहता भी है। 10 रुपए किलो ये दाल मखनी है। छोले जबरदस्त छोले। सलाद है, ये अचार है, चटनी, प्याज और प्याज। और यहाँ पे देखो आप बिजली की रफ्तार में चल रहे हैं, यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ रहती है। ये आ चुकी है मैदा नान बनाने के लिए, वो बनाए जा रहे हैं पेड़े इस तरीके से, जो नान के लिए है वो पेड़े बना दिए हैं। और ये देखिए आप इस तरीके से जो पिट्टी है वो भरी जा रही है। पिट्टी कौन सी भर रहे हैं आप? पनीर की। तो ये पनीर वाले नान बन रहे हैं। चूचू की जो पिट्टी है आलू वाले नान है वो इस तरीके से जो आलू की पिट्टी है वो इसमें भरी जा रही है। और ये आपको यहाँ पे चार तरीके के नान मिलेंगे। आपको गोभी का वाला नान चाहिए तो आपको गोभी वाला भी मिलेगा, आलू वाला चाहिए तो आलू मिलेगा, पनीर वाला चाहिए तो मैंने आपको दिखा दिया कि पनीर वाला भी मिलेगा। गोभी वाले नान के लिए यहाँ पे गोभी की पिट्ठी भी। मैंने एक ये चीज नोट करी है कि इन्होंने पेड़े नहीं बनाए नान के लिए। और ये देखो आपके इस तरीके से जो नान है वो यहाँ पे लगाए जा रहे हैं तंदूर में। अरे जो नान रेडी हो चुके हैं वो अब निकाले जा रहे हैं। आप देखो कितने बढ़िया तरीके से गोल्डन कलर आ चुका है, क्रिस्पी क्रिस्पी गर्मा गर्म जो नान है वो अब यहाँ पे निकाले जा रहे हैं। और जो नान देख लो तंदूर है वो भरा हुआ है गर्मा गर्म तंदूर में से निकाले जा रहे हैं। ये देखिए बारी बारी करके इतने ज्यादा, मैं आपको पीछे कैमरा दिखा देती हूँ कि कितनी ज्यादा भीड़ है, इतने ज्यादा लोग दीवाने हैं इनका चूर चूर नान खाने के लिए, इतने ज्यादा लोग पसंद करते हैं। और ये देखो आप इतने सारे नान है वो निकल चुके हैं। और बारी बारी करके देखो आप किस तरीके से ये जो है वो लगा रहे हैं भैया। तो अब इसमें लगाया जा रहा है बटर, और बटर देख लो आपकी जो हाथ से इतना सारा जो बटर है वो लगा रहे हैं, जो ये मतलब पूरा अंदर तक भर गया है बटर, इतना ज्यादा बटर लगाया जा रहा है। और ये देखो आपकी जो ये पूरा जो ये डोंगा है ना, जो भगोना है पूरा बटर भरा हुआ है और ये नान में बटर लगाए जा रहे हैं। और इस तरीके से जो नान है वो क्रश किए जा रहे हैं, वो इधर रखे जा रहे हैं। और इतनी ज्यादा भीड़ रहती है कि ये देख लो आप, इतनी ज्यादा भीड़ रहती है कि खड़े होने तक की यहाँ पे आपको जगह नहीं है, इतने ज्यादा लोग यहाँ पे पसंद करते हैं इनके नान। इनके हाथ रुकते ही नहीं है, बिजली की रफ्तार से चलते रहते हैं, इतने ज्यादा लोग दीवाने हैं इनके चूर चूर नान। ये आपके लिए लगा रहा हूँ आलू गोभी पनीर मिक्स सिंगल चूर चूर वाले, ठीक है जी। ये आलू गोभी मिक्स हो गया, ये पनीर हाथ जो चल रहे हैं अमूल का मक्खन। अच्छा अमूल का ही बटर इस्तेमाल करते हो? हाँ जी। और ये अजवाइन, ओके, ये धनिया, ओके, ये मक्खन इसमें डबल लगता है जी, तीन बार लगाते हैं इसमें चूर चूर वाला जी। मतलब अंदर तक मक्खन घुस जाता है? हाँ जी, लच्छा बना बनाते हैं। अच्छा, लच्छा बना के रखे हुए हैं, इसके ऊपर लगा दे धनिया। हाँ जी, तो ये हमारा आ चुका है मिक्स वाला नान और अब ये जाएगा तंदूर में गर्मा गर्म। ओहो, तो ये देखो आपकी तंदूर में कितनी बढ़िया तरीके से लग गया है। तो हमारा नान है वो कितनी बढ़िया तरीके से सिक चुका है गर्मा गर्म तंदूर में। ये देखो आप कितने सारे इतनी वैरायटी के नान है ना कि देख देख के ही मेरे मुंह में पानी आ जा रहा है। और जो ये नान है पूरा क्रिस्पी हो चुका है, गोल्डन कलर आ गया है। और ये अब इसमें लगाया जा रहा है अमूल का मक्खन। तो आप मक्खन लगाने का देख लो कि हाथ से इसमें मक्खन लगाया जा रहा है और उसको क्रश कर दिया है। और जो हमारी नान की जो थाली है वो आ चुकी है और ये लग दी है। अरे वाह, तो ये हमारी चूचू नान की मिक्स थाली यहाँ पे सज चुकी है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे रायता लेना चाहते हो चूचू नान के साथ तो आप ले सकते हो। तो आपको यहाँ पे बूंदी वाला रायता मिलेगा। ये देखिए आप, ये इसमें मसाला डाल दिया है बढ़िया तरीके से। तो फाइनली ओम प्रकाश जी के फेमस मैंने यहाँ पे मिक्स चूरचूर नान की यहाँ पे थाली लगवा ली है। वैसे तो इनके पास काफी वैरायटी के चूरचूर नान अवेलेबल है। अगर आप चूरचूर नान आटे पे लेना चाहते हो इवन वो भी अवेलेबल है। बट जैसे कि मैंने चूरचूर नान की वीडियोस बहुत बनाई है, लेकिन जो स्पेशली जो इनका चूरचूर नान है ना वो दिखने में इतना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और जो क्वालिटी है ना इनके चूरचूर नान के लिए इतनी ज्यादा भीड़ है, इतनी ज्यादा मारामारी हो गई है। एक मुझे चीज बहुत अच्छी लगी जो इनका चूरचूर नान है ना, जो इन्होंने मेरे को लगा
के दिया है, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि फूल की तरह खिल रहा है, इतना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है दिखने से ही। और इसके साथ इन्होंने छोले की सब्जी दी है और दाल दी है और चटनी है, अचार है जो तो रहता ही है चूरचूर नान की थाली में। और इसके साथ है ये रायता, और अगर रायते का ग्लास है का रेट है 15 रुपीज़, तो अगर आप रायता लेना चाहते हो तो आप रायता भी ले सकते हो। तो चलिए मैं भी जल्दी से टेस्ट कर लेती हूँ और मैं बताती हूँ कि मुझे ओम प्रकाश जी के चूरचूर नान कैसे लगे। देखो चूरचूर नान कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, जैसे कि नाम है चूरचूर नान तो क्रिस्पी है। ये देखिए कितना ज़्यादा लाजवाब, बहुत ज़्यादा बढ़िया। मैंने यहाँ पे मिक्स वाली वैरायटी लगवाई है और ये देखिए इसमें, देखिए इसमें पनीर की स्टफिंग है और मिक्स की स्टफिंग है सब्जीज की। तो मैं इसे टेस्ट कर लेती हूँ और मैं इसे लूँगी दाल मखनी के साथ। तो आपको दाल मखनी मिलेगी, आप कोई सा भी चूरचूर नान ना लीजिए, आपको दाल मखनी और छोले मिलेंगे। और इसमें रखूँगी मैं प्याज और चटनी। चलिए इस बाइट को मैं टेस्ट कर लेती हूँ। मैंने चूरचूर नान तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा खाए हैं, लेकिन सच बता रही हूँ कि इनके जैसा दिखने में आपको हैवी लगेगा पर इनके जैसा मुंह में जाते ही लाइट और टेस्टी और बटरी ऐसा चूरचूर नान मैंने अभी तक दिल्ली में नहीं खाया है। तो मैं आपको बस इतना ही कहूँगी कि आप यहाँ पे आइए और खाइए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इनका नान कैसा लगा और आपको इनकी जो चूरचूर नान की क्वालिटी है वो कैसी लगी। जो भीड़ है ना वही बता देती है कि खाना कैसा है और कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। 460 पिलर नंबर माता के मंदिर के साथ 9:15 से 5 बजे तक। अगर आप फूड मेरी दिल्ली पे पहली बार आए हैं तो प्लीज आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपका एक सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो दिल्ली है दिल वालों की और फूड मेरी दिल्ली है खाने वालों की। तो मैं यहाँ पे ओम प्रकाश जी के जबरदस्त अमूल बटर से लोडेड इतने क्रिस्पी नान को मैं यहाँ पे फिनिश करूंगी और मिलूंगी अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।